अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज हफ्ते वाला दिन था और माशाल्लाह बहुत ही प्यारा वेदर था, बारिश भी हो रही थी, ऑफिस में था और कुर्बानी का जानवर के लिए जाना था तो भाई का फ़ोन आया कि चलें चलते हैं। एक रेफरेंस था, सजाद भाई के रेफरेंस से हम उनके गांव गए और बहुत ही माशाल्लाह ज़बरदस्त वेदर था और हमने बहुत इंजॉय किया। जाना तो हमने अपनी गाड़ी में था लेकिन यह कि बंदे ज़्यादा होने की वजह से जो है वो फिर हम स्कूल के साथ ही हमारे दोस्त हैं तो मतीन उसकी कैरी डब्बा था उसके पास, तो फिर हमने उसकी गाड़ी में ही सब बैठे और हम गांव की तरफ रवाना हुए। मैं शुरू में तो वीडियो नहीं बना सका, मुझे पता ही नहीं था मैंने व्लॉग बनाना है, लेकिन यह है कि मैं फिर साथ साथ रास्ते में बनाता गया तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था, मज़ा आया। तो मैं था, भाई थे मेरे साथ, कज़न थे, दोस्त थे, तो हमने बहुत अच्छा जो है बहुत इंजॉय किया। बहुत काफ़ी टाइम के बाद क्योंकि ये लॉकडाउन था और लॉकडाउन के दौरान फिर हम कहीं आगे पीछे जा भी नहीं सकते थे, फिर हमने इस चीज़ को काफ़ी जो है ना वो इंजॉय किया और इसी तरह फिर हम ये गाँव का जो माहौल था वो बेसिकली मुझे बहुत बहुत पसंद आया। गांव भी इनका जो है वो बहुत प्यारा था। ये हसन मुस्तफ़ा हैं, ये मेरे बड़े भाई के बेटे हैं, इनको गाड़ी के में सॉन्ग सुनते सुनते इनको ठुमके याद आ गए, बहुत क्यूटू सा था और मुझे एक्सपेक्ट नहीं थी कि ये ऐसा करेगा लेकिन इसने ऐसा किया ड्यू टू यकूब भाई। और ये हम उस जगह पहुंच गए थे फार्म हाउस में, ये मिट्टू है, ये हमारे साथ काम करता है स्कूल में, ये याकूब भाई हैं। बहुत अमेजिंग पर्सनैलिटी है, फ़नी बंदा है यार ये बहुत, और बहुत ज़्यादा इंजॉय कराया इन्होंने। और फिर अब हम इनके फार्म हाउस में गए, ये गांव का नाम दुरताला है और ये इनके जानवर थे और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे जानवर थे। आपको पता है कि कुर्बानी भी करीब है, कुर्बानी की जो ईद है तो सब बंदे हम बंदों को जो है वो क्रेज़ होता है, तो बस हमें भी इसी तरह क्रेज़ था और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर थे। बेसिकली जो अच्छे जानवर होते हैं वो भी थोड़े कॉस्टली भी होते हैं, जो खूबसूरती भी हो। ये मेरे कज़न हैं असनाद भाई, तो मैं ज़्यादातर वक्त इन्हीं के साथ मतलब कज़न्स में इनके साथ गुजरा है, और एक और कज़न है सिकंदर, उससे भी आपको मिलवाऊँगा, उसके साथ मेरा वक्त गुजरा है। और फिर जैसा कि आपको पता है जानवरों के हवाले से तो हम खूबसूरती के भी पैसे होते हैं और सारी चीज़ें, तो ये तकरीबन सारे 170,000 के थे ये याकूब भाई। ये कोई अलग ही एक्सप्रेशन दे रहे थे और वो कैप्चर हो गए। और बहुत मज़ेदार एरिया था, उनका फार्म हाउस बहुत प्यारा था, सफाई का बहुत उन्होंने ख्याल रखा हुआ था और जो बैक साइड थी वहाँ पर इन्होंने छोटे जानवर रखे हुए थे जो भेड़ों के बच्चे वगैरह थे, नेक्स्ट अगले साल के लिए जो है वो उनको तैयार करेंगे फिर जो है पालेंगे। मुझे बहुत शौक़ था जानवर रखने का, जगह ना होने की वजह से वो नहीं रख पाए। ये भी उधर ही कबूतरों का घर था, ये सदीर है, याकूब भाई हैं और असनाद भाई हैं, ये मदीन भी साथ हैं, याकूब भाई यहाँ पे हैं। जो हैं वो बहुत फनीएस्ट एक्टिंग कर रहे थे, असल में ये इमरान खान बने हुए थे और चंदा इकट्ठा कर रहे थे। ये एक जोक है, मज़े में मतलब एक शुगल मेला था जो हमने वहाँ लगाया। यहाँ पे उन्होंने मुर्गियों का भी वो फार्म था, तकरीबन 70,000 मुर्गी भी थी यहाँ पर। गाड़ी के दौरान फिर ये जो है वो कैप्चर किया था। फिर हम यहाँ से दूसरे गाँव गए आगे, और एक और जगह थी, ये वसीम भाई हैं, सबसे बड़े भाई हैं और साथ हसन मुस्तफ़ा हैं। ये गांव का वेदर था, बारिश के बाद बहुत ज़बरदस्त, सफाई का भी गांव का मतलब माहौल जो था वो बड़ा साफ़ था, एरिया बहुत क्लियर था, रोड्स जो हैं वो क्लियर थे, बीच में कुछ जगह थी जहां पर ऐसा था लेकिन मज़ा था। ये याकूब भाई असनाद भाई को छेड़ते हुए और गाड़ी के अंदर ऐसा सॉन्ग लगा हुआ था कि वो अपने आप को जो है कंट्रोल नहीं कर सके, बेकाबू हो गए और उस दौरान जो है ना उनको ये जुनून चढ़ गया।
इसी तरह हसन मुस्तफ़ा दोबारा ठुमके लगा रहे थे। सर ये छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, मज़ा आता है इन खुशियों में। काफ़ी टाइम के बाद जो है मैंने एंजॉय किया। तो दोस्तों आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। मैं आपको आगे भी बताता चलता हूँ साथ। ये हम एक और गांव गए जहाँ पर हमने ये वेड़े देखे थे, और इन वेड़ों की जो कीमत थी वो 1,20,000 वो मांग रहे थे और फाइनल 1,10,000 कह रहे थे। तो हमें जो है इतनी नहीं था मतलब अमाउंट, तो हमने इनको 90,000 का रेट दिया था कि हमने हमारी अप्रोच 90,000 तक की है। और ये माशाल्लाह बहुत प्यारा जानवर है, ठीक है। और ये जो है ना ये तकरीबन उन्होंने 4,00,000 रुपये हमसे मांगा था कि मतलब 4,00,000 का, क्योंकि खूबसूरत ही इतना है, फतेह जंगी नस्ल है और बहुत आउट क्लास, बहुत ही आउट क्लास। मेरा दिल कर रहा था मैं इसको होल्ड करूँ मतलब पकड़ लूँ और साथ इससे ज़रा शुगल मिला लगाऊँ, लेकिन ये था कि अपना बैठा नहीं था इस वजह से मैं नहीं कर सका। तो फिर हमने वहाँ पर बैठ के चाय पानी पिया, बहुत अच्छे लोग थे, अच्छा उन्होंने मतलब हमें वेलकम किया। तो दोस्तों उम्मीद है आप सबको मेरी ये जो व्लॉग है पसंद आया होगा। आप सब ने इसको ज़रूर 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 लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। अपना ख्याल रखिएगा।